زٕے کرٛیڈِٹ پَرناو ہَفتَس منٛز دۄن دۄہَن پَرناو Mr. Musaq Saab, the librarian, who has left to welcome the non-teaching staff, who are equally and Tamir Saab, who have always been with us, have a very good collab in their favor. हमारी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स कमीशन के कई इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें एक इनिशिएटिव है एलएसी लर्निंग आउटकम बेस्ड सिलेबस किस तरह बनाया जाए और उसमें एक चीज़ हमारी ये डिपेंडेंस रहती है कि आप आईसीटी का इंटरवेंशन करें यानी आपकी जो पेडागॉजी है एकेडमिक एक्टिव जो है ट्रांजैक्शन जो कॉलेज में चलती है इसको ट्रेडिशनल तरीके के साथ साथ आप दूसरे प्लेटफॉर्म शुरू करें उसमें बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे लिए ये है कि हम अपनी कन्वेंशनल टीचिंग को डिजिटल टीचिंग के थ्रू सप्लीमेंट करें आप डिजिटल क्लासरूम्स लगाने हैं डिजिटल बोर्ड्स चलाने हैं और आईसीटी का यूज़ सीखना है अब आईसीटी का यूज़ तब हम कर सकते हैं जब हमारे टीचर्स यूज़ इट टू तो उसमें आज का प्रोग्राम हमने डिग्री कॉलेज कुलगाम में इसलिए रखा था कि आईसीटी के क्या क्या एवेन्यूज़ अवेलेबल है और इसमें किस तरह इसको यूज़ किया जाएगा इसमें हमारी क्या तैयार रहनी चाहिए और डिजिटल बोर्ड को एक्चुअली कैसे चलाया जाए उस पे आज का हमारा ये प्रोग्राम चलेगा हाँ इसके साथ साथ चनाचा भी कोई बाजारी प्रोग्राम है नहीं तो इसका वन साइडेड तरीका लिया जाएगा इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस होता है क्रिटिकल थिंकिंग टीचर्स जब बैठते हैं वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को भी विजुअलाइज करना देखेंगे और इसमें चैलेंजेस क्या हैं और इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हैं तो इन चीज़ों पे डिस्कशन हो जाएगी और ये इवॉल्व होने के बाद मुझे लगता है अगले 2-3 साल में हमारा शायद स्टेट लीड ले लेगा और डिजिटल क्लासरूम को यहाँ पे मुझे लगता है सबसे पहले मीनिंगफुल तरीके पे सही तरीके पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा शुक्रिया